क्या आप लोग तो ये सोचा ही होगा ओमनीटिक्स ने नॉन जानकारी यानी स्कैन क्यों नहीं किया, क्योंकि हम लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, जो ओमनीटिक्स है वो उसी एलियन को डीएनए स्कैन करता है जो प्राइमेस में अवेलेबल ना हो। नॉलजन से उसका डीएनए प्राइमेस में अवेलेबल नहीं है, फिर भी ओमनीटिक्स ने नॉलजन का डीएनए स्कैन क्यों नहीं किया। हमारा जो रिकैलिब्रेट ओमनीटिक्स है उसका जो डीएनए स्कैन मोड है हमारे प्रोटोटाइप ओमनीटिक्स के जैसा है, क्योंकि हम लोग ये बात तो जानते हैं जो हमारा प्रोटोटाइप ओमनीटिक्स है उसको जब तक कोई अननोन एलियंस ओमनीटिक्स को टच नहीं करते तब तक ओमनीटिक्स ने उस एलियन का डीएनए स्कैन नहीं करती। जो कि हमारा रिकैलिब्रेट ओमनीटिक्स है उसके साथ हमको सेम जिनिस देखने को मिली थी जब घोस्टब्रिक ओमनीटिक्स के आसपास था, जो ओमनीटिक्स ने घोस्टब्रिक के डीएनए स्कैन नहीं करते, लेकिन घोस्टब्रिक ने जब बैन के बॉडी में घुसता है और ओमनीटिक्स को टच करता है उसी टाइम में हमारा जो रिकैलिब्रेट ओमनीटिक्स है जो घोस्टब्रिक के डीएनए है उसको स्कैन कर लेता है। इसीलिए नॉलजन्स का डीएनए हमारा रिकैलिब्रेट ओमनीटिक्स ने स्कैन नहीं कर पाया था, क्योंकि नॉलजन्स ने ओमनीटिक्स को टच नहीं किया था। अगर उस टाइम पे हमारा जो अल्टीमेटिक्स था वहाँ पर अगर होता तो नॉलजन्स का डीएनए अल्टीमेटिक्स इजी स्कैन कर लेता। बोल क्या आप लोग को लगता है, ओमनीटिक्स ज्यादा पावरफुल है नहीं कि अल्टीमेटिक्स? कॉमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंडिंग टाइम, गुड बाई।